तो हम शॉपिंग करना है, एंजॉय करना है। ये देखो आगे से चीख चीख के मुझे पड़ा है, मैं ये लड़की पागल हो चुकी है, इसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। मैं कहती हूँ डोनेशन के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, इस लड़की का इलाज कराते हैं। अभी तो आपने कहा कि मैं शापर उठाने आई हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है ना। मैंने बोला है आपको कुछ और ही सुनाई दिया है। जा अपना काम करें अपना, ऐसे इंटरव्यू लेते हैं, आपको इंटरव्यू का तरीका नहीं आता। अच्छा ये बोतलें इकट्ठी करके आपको कितने पैसे मिल जाते? अजीब क्या मसला है यार, पागल हो गई हो तुम। देखो जरा लोगों को तंग। बेसिकली आज मैं करूंगी लोगों से सवाल, वो मुझे देंगे उसके सीधे सवाल और मैं करूंगी उनका उल्टा जवाब। मतलब आप समझ ही ना समझ आने वाला, आज हम कुछ करने वाले हैं, लोगों से हम लेने वाले हैं उनके रिएक्शन। में उनको गुस्सा दिलाऊंगी और हम देखेंगे कि लोग गुस्सा करते हैं कि नहीं करते। वैसे तो मैंने सुना है कि भाई मारपीट भी होती है, लेकिन मैं एक लड़की हूँ तो शायद मुझे कोई ना मारे। तो हम चलते हैं लोगों के पास, उनसे पूछेंगे टेढ़े मेढ़े सवाल और लेंगे उनके जवाब। तो बकरे ढूंढ रहे हैं हमें, जैसे कोई बकरा मिल जाएगा इस बकरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिजान अशरफ। फिजान अशरफ यहाँ क्या करने आए हो? शॉपिंग करने आए वैसे। अच्छा, जैसे आप सुन रहे हैं छोटा सा बच्चा है लेकिन लड़कियाँ ताड़ने आया है। आप देख रहे हैं हमारे मुल्क के छोटे बच्चे, बच्चियाँ क्यों ताड़ने आए हो? ये कैसी बात कर रहे हैं आप, हम तो शॉपिंग करने आए हैं। देखें आप, मैं इसको कह रही हूँ कि तुम बच्चियाँ ताड़ो, कह रहा है मेरी उम्र है बच्चियाँ ताड़ देगी, मैं बच्चियाँ ही ताड़ूंगा। शर्म नहीं आती आपको? आप कैसे बातें कर रहे हैं? कर रहे हैं मैं मुझे मेरा भी जेंडर चेंज कर दिया, मैं कर रही हूँ, इसने मुझे कर रहा बना दिया है। बोला भी हम शॉपिंग करने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, लड़कियाँ कौन ताड़ रहे हैं? आप ताड़ने नहीं आए? हाँ मैं ऐसा नहीं लड़के ताड़ने वाला। मैं कैसा हूँ? मुझे नहीं पता आप कैसे। लड़का जो है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, मुझे लगता है इसका इलाज करवाना चाहिए। मैं सोच रही हूँ यहाँ पर लोगों को कहूँ कि भाई डोनेशन का डब्बा इकट्ठा करो, वहाँ पर हम पैसे इकट्ठे करेंगे, फिर जो है इसका इलाज करवाएंगे। फैजी अशरफ, इलाज में अगर ज्यादा पैसे लगेंगे तो तुम क्या करोगे, लोगों से मांगोगे? नहीं, क्यों नहीं? इलाज जब होने नहीं है फिर पैसे कहाँ से लेंगे? तो आपका दिमाग खराब है ना? नहीं मेरा दिमाग खराब। अभी आप कह रहे हैं मैं लड़कियाँ ताड़ने आया हूँ, मैं तो हम शॉपिंग करने आए, एंजॉय करने आए। ये देखो आगे से चीख चीख के मुझे पड़ा है, मैं कह रही हूँ आपने खुद ही कहा है कि मेरी उम्र है लड़कियाँ ताड़ने की। मेरे आप झूठ बोल, मैंने नहीं कहा आपसे। मैं झूठ नहीं, आप पाकिस्तानी है? जी पाकिस्तानी। तो एक्सेंट आपका साउथ अफ्रीका जैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महा। महा क्या करने आई हो? शॉपिंग करने आई हूँ। देखो लड़के ताड़ने आई है, आजकल की लड़कियों के हालात चेक कर रहे हैं आप? लड़के ताड़ने शॉपिंग करने आई हूँ, शॉपिंग करने। ऊपर से कह रहे हैं मैंने तीन चार लड़कों से उनके नंबर भी ले लिया। ये निम्रा क्या हो गया, शॉपिंग करने आई? मैंने आपको पहले भी बोला है आपने बात करनी है तो आराम से करें, आपकी वजह से मैं रुकी, आपने बोला इंटरव्यू। ये कुछ नहीं करने आई है, जग मारने आई है, थोड़ी देर बाद इसने यहाँ से बोतलें इकट्ठे करके बेचने चले जाना। बोतलें इकट्ठी करनी, वो अंकल पहले ही इकट्ठी करके ले जाते हैं, करने का टाइम। ये आपको ऐसा लग रहा होगा ये लड़की बिल्कुल ठीक है, ये लड़की पागल हो चुकी है, इसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। मैं कहती हूँ डोनेशन के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, इस लड़की का इलाज कराते हैं। मैंने आपको एक दफा बोला है ना मैं शॉपिंग करने आई हूँ। ऊपर से कह रही है जिन लड़कों को मैंने ताड़ा उनके साथ मैं डेट पर भी जाऊंगी। डेट पर जाऊंगी आपको कोई मसला है? जब मैंने आपको एक दफा बोला कि मैं शॉपिंग करने आई हूँ तो आपको समझ लेना चाहिए। आप फजूल में सबके सामने बहस कर रही है मेरे साथ, ये तो कोई बात नहीं है। मैंने शॉपिंग करने आई हूँ, शॉपिंग ही करूंगी, ठीक है? मैं लड़के ताड़ने आई हूँ, मैं लड़के ही ताड़ूंगी, जाओ जाओ करना कर लो। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान, क्या सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, पैसे कैसे कमाएं ऑनलाइन अर्निंग का प्लेटफॉर्म बता दें। तो मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आप घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ B9 की। B9 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप घर बैठे गेम खेलकर ढेर सारा पैसे कमा सकते हैं। इस पर आप दिन के 4 से 5 हजार, महीने के 40 से 50 हजार और 1 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। बस आपको करना ये कि 300 रुपए का डिपॉजिट आपने करना है, 300 में आपको मिलेंगे 20। इससे आप ढेर सारी गेम खेल सकते हैं और गेम खेलकर ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। और हाँ, एक और खुशखबरी की बात, यहाँ पर अगर आप अपना रेफर लिंक किसी दोस्त को भेजते हैं और वो इस रेफर लिंक से कनेक्ट होकर गेम खेलता है तो उसका बोनस भी आपको ही मिलेगा। कैश विड्रॉ और कैश डिपॉजिट बहुत इजी है थ्रू इजी पैसा और जैस कैश। तो इंतजार किस चीज का है, अभी जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू खुद को रजिस्टर करें और घर बैठ बैठे गेम खेल कर ढेर सारा पैसा कमाएं। क्या करना है यहाँ पे? हम शॉपिंग करने आए यहाँ से। क्यों लड़कियाँ ताड़ने आए? शर्म नहीं आती आपको लड़कियाँ ताड़ने आ पाए? आप बाहर ना निकला करें तो हम क्यों ऐसे काम करें? आपने कहा मैं अभी लड़कियां ताड़ने नहीं आया, शॉपिंग करने आया हूँ। बस साथ साथ ये भी थोड़ा थोड़ा काम कर। मेन आपका क्या काम है, करने क्या आए हैं? हम दोस्त आए हैं पिंडी से, तो हम शॉपिंग करने आए हैं। पिंडी बॉयज हैं आप?
जी बुरगुर तो नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा लड़कियाँ क्यों ताड़ने आए हैं? क्यों लड़कियाँ ताड़ने? बस टाइम पास के लिए। लड़कियाँ टाइम पास है आपके लिए? बस आजकल मोहब्बत मिलती कहाँ पे है। बात तो सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जो मेरे मामा पापा ने रखा भाई है। क्या रखा है? मिलू की पता की रखे है। मेरा नाम अमारा है। अमारा क्या करने आई हो? मैं बेसिकली एक न्यूज रिपोर्टर भी हूँ और एक एंकर भी हूँ, तो मैं इस टाइम जरा अपना प्रोग्राम होस्ट करने आई हूँ। देखें जरा किस आड़ में ये लड़कों के साथ पुंडी करने आई है। ठीक है, लड़कों को देख रही है, लड़कों को ताड़ रही है। और मैं बाजी तुम दस्य मैं अपना काम करना नहीं, लड़कों के साथ कौन फिरने आया है यहाँ पे? लड़कों के साथ कह रही है मैं घूमूंगी, यही मेरा काम है, मैं करूंगी जो करना कर लो। क्यों मैल तो नहीं जमी हुई गानों में? कानों में मैल नहीं जमी हुई, लेकिन जो आपने कहा मुझे वो साफ समझ आ रहा है। आप कह रही हैं कि इसके बाद जो है मैं जाकर बोतलें इकट्ठी करूंगी, बोतलों को बेचूंगी और यही मेरा कारोबार है। हाँ मैंने बोतलें नहीं इकट्ठी करने, मैंने शापर भी चुकने हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, शापर भी चुकेंगी। अब आजकल ये लड़कियों को क्या हो गया, अच्छे भले काम को छोड़ के शापर उठाएंगी तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? नहीं बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, मैंने तो यही काम करना है भाई। लेकिन आपको किसने बताया कि मैं ये काम करती हूँ? इतनी फेमस हूँ मैं कि मैं, आप मुझे जानती हैं, मैं शापर उठाती हूँ। अभी तो आपने कहा कि मैं शापर उठाने आई हूँ। लेकिन मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है ना, मैंने बोला है आपको कुछ और ही सुनाई दिया है। अच्छा आपका एक्चुअल काम क्या है इस पुंडी और शापर उठाने के अलावा? वो दस्या तो है तुम्हें मैं की करनी है। की कर दे हो? मैं वो है जिस तुम कर रहे हो लोगों को फाड़ फाड़ के उन्होंने पूछना, उन्होंने घेर लेना सवाल जवाब। अच्छा ये देख रहे हैं आप, कह रही हैं कि लड़कों को मैं घेरती हूँ फिर उनसे जो है उनके बटवे निकालती हूँ, बटवों में से पैसे निकाल के मैं चोरी करके भाग जाती हूँ, ये मेरा काम है। मतलब बाहर के मुल्कों जैसे आपका एक्सेंट है? बिल्कुल वैसा नहीं है। अच्छा मुझे बताओ फिर कितनी लड़कियाँ ताड़ ली हैं? एक भी ताड़ ली। अभी तो काम में ताड़ने आया हूँ। आप झूठ बोले, मैंने काम ऐसा कर रहा क्या? मैंने क्या ऐसा करूँगा? आप झूठ बोले मेरे से। बच्चा जो है उसकी जुबान भी लड़खड़ाने लग गई है मेरे से बात कर करके। अच्छा अब अगर कोई लड़की अच्छी जा रही हो तो उसको नहीं ताड़ोगे? नहीं। क्यों नहीं ताड़ोगे? तुम लड़के हो ना? नहीं मैं ताड़ूं। नो, अंकल आप ताड़ेंगे? नहीं। अंकल कह रहे हैं मैं ताड़ूंगा। आप भी नहीं ताड़ेंगे? नहीं। अच्छा लड़कियाँ नहीं ताड़ने आए थे? नहीं। फिर लड़के ताड़ने आए थे? आप लड़के ताड़ने आए हैं। बात तो सही है। फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कहाँ नहीं मिलती आप ये बताएं। मैं अब आपको कहूँ कि आप मुझे अपना नंबर दे दो, आप तो नहीं देंगी। बहुत तेज हो रहा है। मैं दे देती हूँ, लिखें। चले 0301 जब भी करें तभी बंद लिखें। वो नंबर देना जो चलता हो आपका। अच्छा आप शॉपिंग आपने किया कुछ की? नहीं अभी करने भी आए हैं। क्यों नहीं की? यहाँ पे बस लड़कियाँ ही देखने हैं, लड़कियों के अलावा भी कुछ करना चाहिए। ये ना यहाँ पे झग मारने हैं, मैं आपको बता रही हूँ ठीक है। लड़कियाँ ताड़ने हैं, लड़कियाँ नहीं ताड़ेंगे तो यहाँ पे जाकर जो है किसी एक दो बंदे से कहेंगे हमें खाना खिला दो, बस यही काम है आपका? यही हमारा काम है, वेले लोग हैं ना। काम क्या करते हैं वैसे? गारमेंट्स का। देखें आप कूड़ा उठाने का इनका काम है। मैं क्यों लड़के ताड़ूंगी, मैं लड़कियाँ ताड़ती हूँ। मैं भी नहीं ताड़ता। कितनी ताड़ी है सही से बताओ? एक भी नहीं ताड़ी। ताड़ी? आप झूठ बोल रही। मैं सच बोल रही हूँ, ताड़ी नहीं है। नहीं ताड़ी नहीं। ये पक्के लहारी हैं, ये पक्के लहारी हैं जिनका रे और डे भी खराब है। हालांकि मेरी बहनों का भी खराब है लेकिन इसका ज्यादा खराब है ना। मुझे नहीं पता। मुझे गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा थूक दो, थूको। मैं देख लिया आप लड़कियाँ आजकल कैसी हो गई हैं, बिल्कुल बेहाई फैलती जा रही है। Excuse me, एक मिनट माइक करेंगे पास। मैंने आपको बोला है ना शॉपिंग करने आई हूँ, आप फजूल में क्यों बहस कर रही हैं? शॉपिंग करने आई हूँ ना, मैंने आपको पहले भी बोला है फजूल में झग मारी, ये क्या होता है? ये देखें ऊपर से ये बहस। मैं भी लड़की हूँ आप भी लड़की हैं, जरा समझे इस बात को, क्या सबके सामने आप तमाशा कर रही हैं? मैं शॉपिंग करने आई हूँ, मैंने आपको एक दफा बोला है सामने इतने सारे लड़के आ गए मैं उनको भी ताड़ूंगी, देखें जरा। मुझे अपने घर जाना है। फजूल में आप, मैंने आपको बोला शॉपिंग करने आई हूँ, क्या मसला है? कितने लड़के ताड़ोगी मजीद, कितने लड़के? A few inches later. अच्छा ये बोतलें इकट्ठी करके आपको कितने पैसे मिल जाते हैं? अजीब क्या मसला है यार, पागल हो गई हो तुम? देखो जरा। बोला शॉपिंग करने आया, एंजॉय करने आपके लड़के तारने आया हूँ। ठीक है गुस्सा क्यों कर रहे हो, मुझे मारोगे तो नहीं ना? नहीं। ठीक है जाओ फिर। ठीक है जाता भी नहीं है मैं कह रही, जाओ जाओ फिर जाओ। ठीक है अल्लाह। ये देखे लड़कों के हाल देखे, लड़कियां मैंने कहा ताड़ने, कहता नहीं मैं लड़की नहीं ताड़ने, मैंने कहा लड़के ताड़ने आते तो मैं लड़का नहीं ताड़ने हैं। अब आगे चलते हैं बाकी लोगों से पूछते हैं, कोई ढंग का काम भी नहीं करते हैं, और क्या करते हैं, हॉबीज क्या है? हॉबीज बहुत कुछ है। बहुत कुछ क्या हॉबीज है? क्या बताऊँ आपको, एक हो तो बताऊँ? एक नहीं है, तीन चार होंगी। बहुत ज्यादा। कितनी है? इधर उधर क्या देख रहे हैं? मुझे लगता है आप अंधे हैं, क्या आप अंधे हैं? अच्छा एक बड़ा जरूरी सवाल है, जो मेजर मेरा सवाल है वो यही है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाँ है। हाँ ये कह रहे हैं मैं ब्रश ही नहीं करता, मेरे टूथपेस्ट में नमक कैसे होगा? है ना?
लास्ट टाइम आपने कब ब्रश किया था? 2 महीने हो गए। सच्ची में फिर नहीं मैं आपको अपना नंबर दूंगी। वो आपकी मर्जी है फिर। मैं आपसे एक पते का सवाल करती हूँ। मैं आपसे एक ऐसा बॉलीवुड का सॉन्ग आपको बताऊंगी, उसके आगे वाले लिरिक्स आपने बताना है, ठीक है? अगर आपने लिरिक्स बता दिए तो फिर मैं आपको अपना नंबर दे दूंगी, अदरवाइज कोई नंबर नहीं दूंगी। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती। ये गाने के आगे के लिरिक्स क्या है? भोली सी सूरत और आंखों में मेरी आंखों में नहीं है मस्ती, कैमरे में देखें। समझ रहे हो? समझ रहे हो? भोली सी सूरत आंखों में मस्ती नहीं है। ठीक है, नहीं बता फिर आपको मेरा नंबर भी नहीं मिल सकता। ओके, नहीं नहीं चाहिए। जी वालेकुम सलाम। तो क्या नाम है आपका? साजिद अली। साजिद अली क्या करने आए यहाँ पे? यहाँ पे मैं पास में काम करता हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं पास पे यहाँ पर एक रेडी लगाई हुई है, उस रेडी पे मैं खड़ा हो जाता हूँ और लोगों को देखता हूँ, लड़कियों को देखता हूँ, मैं लड़कियाँ ताड़ता हूँ। क्या मतलब है आपका है? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। ये देखें, कह रहे हैं कि मेरे चार दोस्त और हम चारों दोस्त आते हैं फिर पुंडीबाजी करते हैं। मैडम ध्यान से, क्या हो गया आपको? हाँ वो कह रहे हैं कि मेरा ऊपर वाला माला भी खाली है, ठीक है, मेरा इलाज होने वाला है, मेरा दिमाग। आपके कान वाश होने वाले हैं, आप किसी अच्छे हकीम। कह रहे हैं कि मेरी आंखें भी खराब है, मेरे कान भी खराब है, मेरे कान भी वॉश करा दे, मुझे थोड़े से पैसे दे दे। मैं क्या अच्छे डॉक्टर के पास है, आपको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, आप इधर इधर क्या कर रही है? मुझे भी कह रहे हैं आप भी आया करें, आप भी लड़कियों को ताड़ा करें। अब मैं एक लड़कियों के लड़कियों को ताड़ूंगी, ये करूंगी मैं। मैडम क्या हो गया है आपकी? शेवें कर कर के अकल पे उसरा तो नहीं लग गया कहीं? और यही मैं करती रहूंगी, इसी से मेरे घर की रोजी रोटी चली है। आपको शर्म नहीं आती? आप खुद कमाने के बजाय लड़कों के बटुओं से पैसे निकाल के भाग रहे हैं। मैंने ऐसा कब कहा? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जरूरत नहीं है। अभी तो आपने कहा, अभी तो आपने एडमिट किया है कि मुझे क्या जरूरत है लड़कों के बटुओं में से पैसे निकालने की? कह रही है कि अब मैंने आंटियों के पर्सों से भी निकालने शुरू कर दिए। यहाँ मैं दुकानों में घुसती हूँ, ठीक है, जूता चेक करने के बहाने जूता पहन के बाहर आ जाती हूँ। मुझे अपने घर जाना है। किसने कहा है मैं ऐसा करती हूँ? बाजी तुहानू जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती, तुहानू जरूर किसी ने गलत दसा। अच्छा अभी कह रही है कि मैं इस वाली दुकान में जाऊंगी, आप मुझे देखेगा, जूता पहनूंगी, ट्राई करने के बहाने बाहर आऊंगी, फिर मैं यहाँ से तितर बितर हो जाऊंगी। गजब बेइज्जती है। बाजी क्यों हो गए, किस तरह की गल्ला कर रहे हो? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं क्यों कैसे करूंगी? अब वो कह रही है कि मैं ऐसा ही करूंगी, मैं लोगों के जूते चुरा चुरा के भाग क्यूँ मस्जिद के बाहर? जो जूते लोग रख के जाते हैं मैं उनको शापर में डालती हूँ और फिर आगे ले जाती हूँ, फिर उनको 2-2 रुपए में बेचती हूँ। अगर आपने मुझे यहाँ पर खड़ा कर लिया इंटरव्यू लेने, अच्छी बात पूछ ले, ये क्या मुझ पर सरासर गलत इल्जाम लगाई जा रही है? ऊपर से ये कह रही है कि मेरा दिमाग भी खराब है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं हॉस्पिटल से भाग कर आई हूँ, अब मैं लोगों से पैसे इकट्ठे कर रही हूँ कि मेरा कोई दिमाग का इलाज करा। बाजी ताड़ा दिमाग खराब लगता है मैनू। अगर आपको बात करने का नहीं तरीका तो मुझे बताएं, मैं आपको सिखा देती हूँ, ठीक है? ऐसे कौन इंटरव्यू लेता है? वो कह रही है कि आप भी मेरे इस कारोबार में शामिल हो जाए, जूते चुरा के भागेंगे, बहुत पैसा ही पैसा होगा। चलो मैं आपको बता दूँ क्या है, आप में से किसी को पता है? आ जाएं आप, आ जाएं। फाइनली मुझे एक बंदा मिल गया। अच्छा बताएं, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्मा है आगे आए हाय। अच्छा आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? सेम कुंडी करने आए हैं। अच्छा मुझे लगा था कि मैं लोगों को तंग करूंगी, लोग यहाँ पे मुझे तंग कर रहे हैं, लोग मुझे बता रहे हैं हम लोग कुंडी करने आए हैं। अच्छा आपका ये जो IQ लेवल है ये कितना है? ऑलमोस्ट 80-90 होगा। IQ अच्छा है मतलब आपका? अच्छा। मैं नहीं मानता। मतलब ये कह रहे हैं कि मेरा ऊपर का भेजा खाली है, मेरा दिमाग है ही। अभी आपने कहा 80%, अभी आप कह रहे हैं खाली है, जो मैं कहती हूँ उसमें हाँ में हाँ मिला देते हैं। अच्छा अब मैं आपको एक बॉलीवुड सॉन्ग फिर से बताऊंगी, ठीक है? बॉलीवुड सॉन्ग नहीं बताऊंगी मैं आपको, 3 ऐसे बॉलीवुड हीरोज के बारे में बताऊंगी, फिर आपने बताना है कि वो कौन सी मूवी में है। चलें ट्राई करते हैं। अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील, नहीं ये तो वो है, वो धड़कन वाला है। हाँ, यही है, मेरे दिमाग में भी यही था। चले अब आपको चाहिए मेरा नंबर? नहीं नहीं शुक्रिया, शुक्रिया, कोई ढंग का इंसान नहीं मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा ये हम मुझे कह रहे हैं मैंने पिंक कलर की शर्ट इसीलिए पहनी है ताकि मैं लड़कियों को अच्छे तरीके से देख सकूं, क्योंकि पिंक कलर की शर्ट पहन के लड़कियां जो है वो और ज्यादा अट्रैक्ट होती है। ओहो मैडम क्या हो गया आपको, आपको गुस्सा? देखें ये कह रहे हैं मैंने डायरी भी इसलिए रखी हुई है ताकि मैं लड़कियों के नंबर जो है वो इसमें रजिस्टर कर सकूं और उसके बाद उनको फोन करके तंग करता हूं मैं। शर्म नहीं आती आप लड़कियों को? डायरी पे मैं अपना काम लिखता हूं, मैं दिखा सकता हूं। क्या मतलब है आपका? कैसे कह रहे हैं? मैंने 400 लड़कियों के नंबर लिखे हैं, अगर आपको किसी लड़के का नंबर चाहिए तो बताएं, मैं 200-200 रुपए में लड़कियों के नंबर बेचता हूं। तौबा तौबा, आजकल की लड़कियां कैसी आते हैं, मैंने नहीं आपको इंटरव्यू देना, आप हैं कैसी वैसे? आपने मुझे इतने, मैं इतने प्यार से बैठा, मैंने कहा इंटरव्यू दूंगा, आप कैसे सवाल कर रही हैं? आपने मुझे ऐसा समझा हुआ? आप अपना जाकर ना दिमाग चेक करवाएं। अच्छा मेरी बात सुने, किधर जा रही हैं आप?
आप बातें ही पता नहीं अजीब सी कर रही है, तो सरासर इल्जाम लगाई जा रही है मेरे ऊपर, जो बात है ही आप उसको बोलना भी क्या कर रही है, गलत किए जा रही है। मैं वो बात कर रही नहीं जो आप खुद से बनाई जा रही है, ऐसे कौन करता है। तो माना कि आप निमरा अली हैं, तो आप ये तो ना करें कि मैं आपके साथ इंटरव्यू देने के लिए खड़ी हूँ तो आप मुझ पे ऐसे ऐसे गलत इल्जाम लगाएंगी। रो क्यों रही हैं? क्योंकि आप बात ही ऐसी कर रही हैं। अच्छा मैं मजाक कर रही हूँ, हम लोग बस वीडियो बना रहे हैं। आपकी नहीं जाएगी, आप तो मेरी जान निकालेंगी। आपने गुस्सा कर दिया। ऐसे नहीं करते। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, आप निमरा अली हैं तो फिर सॉरी ना करना। थैंक यू थैंक यू। वो देखें, वो कह रहे हैं मैं ऐसा ही हूँ। क्या मतलब मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। जा अपना काम करें अपना, ऐसे इंटरव्यू लेते हैं? आपको इंटरव्यू का तरीका नहीं आता? कमाल है हम यहाँ पे, क्या करने आप आए? लोगों का इंटरव्यू लेने आए? लोग सारे दिन के दुखी मारे होते हैं, आप यहाँ पे फिर फौतगी वाले काम करवा रही है। मैं यहाँ पे फौतगी पे आया हुआ हूँ, चिल मारने आया हुआ हूँ, गुजर रहा था। कमाल है, आपको इंटरव्यू करना नहीं आता? कैसे कैसे आप सवाल कर रही हैं बताएं मुझे। अब चुप कर गई आप, जाए मैं नहीं आपको इंटरव्यू दे रहा। ये तो गजब बेइज्जती है भाई, गजब बेइज्जती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह के टेढ़े टेढ़े सवाल लोगों से करूं और रोड शोज करूं, तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत सारा दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भाई बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।